y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो y इक्वल टू ये दिया हुआ है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टिल इन्फिनिटी ये दिया हुआ है। इसको और लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, क्योंकि y इक्वल टू ये था तो इन्फिनिटी की ये इन्फिनिटी की जगह y रिप्लेस कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया एक्स। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो गया डी बटा डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स हो गया ये। इसको और सिंप्लीफाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर कितना हो गया टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये क्या हो गया वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स ये कितना हो गया वन। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो ये हो गया टू वाई माइनस वन इक्वल टू वन। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू वाई माइनस वन। अब यहाँ पर हम y का वैल्यू रख सकते हैं तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या दिया हुआ है y इक्वल टू ये दिया हुआ है ये। अब ये इसी को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो गया वन डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टिल इन्फिनिटी ये और माइनस क्या हो गया वन। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर।